नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंट्राडे मेंटर्स कॉल पे। दोस्तों, तो जैसा कि अपना वीडियो का टॉपिक है निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए ताकि एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो, प्रॉफिट कहाँ बने ये आपसे मिस ना हो, क्योंकि जहां पे आपने मिस किया वहीं पे आपने प्रॉफिट को भी मिस किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कल के वीडियो पे, मतलब लास्ट वीडियो मेरी अगर आप उठा करके देखेंगे, क्योंकि तो मैंने फ्राइडे को बना करके डाली थी, जो मार्केट है वो सप्लाई और डिमांड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ही वर्क करता है। इस बात को आप लोग मान लीजिए, जान लीजिए और इसको सीखिए, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स वगैरह जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी चीजें केवल और केवल इसी पे बेस्ड होती हैं। तो सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही एक ऐसी अल्टीमेट टूल है दोस्तों, जो कि आपको मार्केट में सक्सेस दिला सकता है, मार्केट में प्रॉफिट दिला सकता है। दोस्तों, तो मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे लास्ट वीडियो में ये बताया हुआ था कि ये वो लेवल है जहां पर से आप निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर के जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये पोजिशनल का लेवल होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी आप इसको शॉर्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग का कोई भी लेवल आपका वर्क नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि ये लगभग लगभग ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो लगभग यहाँ पास ओपन हुआ, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये नीचे आ गया दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला है कि जैसे ही ये गैप फिल होंगे, ठीक है, ये प्राइस जो है वो गैप फिल करने जरूर आएगा, और जैसे ही यहाँ पास आएगा यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा ही करेगा दोस्तों। वेट करिए प्राइस के यहाँ पास आने का। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यही बताया था अपनी लास्ट वाली वीडियो पे, और देखिए सेम वैसे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास निफ्टी में मंथली पे के चार्ट पे अगर हम जाएंगे दोस्तों, तो कई जो ऑल टाइम हाई के पास जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। ठीक है, अगर अगर जो प्राइस है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर इस मंथ पे ये कैंडल क्लोज होती है, तो आप मान के चलिए कि जो निफ्टी है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका समवेयर अराउंड ये वाला जो लेवल है ये क्वालिफाई हो जाएगा कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है इसके ऊपर क्लोज होने के बाद, तो यहाँ से आप एक पोजिशनल का ट्रेड यहाँ से लेना बनता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप पोजिशनल का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी आज के डेट पे अभी आप देखेंगे कि यहाँ से एक रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो गया है। अभी देखते हैं कल के दिन पे क्या होता है, मे बी गैप अप भी हो सकता है। अगर मैंने आपके सामने ये वीकली का चार्ट लगाया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये जो वीकली की सप्लाई है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वीकली की सप्लाई है काफी समय से होल्ड किया हुआ है मार्केट ने, ठीक है, इस वीकली सप्लाई को, एंड अगेन एक यहाँ पास रिएक्शन देखने को मिल रहा है जो कि रेड कैंडल के रूप में दिख रही है। अभी एक वीवी पूरा बचा हुआ है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर हम डेली के चार्ट पे जाएंगे, तो डेली के चार्ट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पास समवेयर अराउंड एक बहुत अच्छी सप्लाई है, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये डेली के चार्ट पे है तो अभी हम वेट करेंगे। ठीक है, हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पास से देखेंगे तो कई बार, ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने कई बार, एक बार दो बार, कई बार प्रेफरेंस दी है, और ये चौथी बार ये प्रेफरेंस देने जा रहा है, जो कि मार्केट एक रेड में बंद हुआ है। आज के दिन का जो कैंडल है वो रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो बेहतर है वेट करिए, यहाँ से मार्केट के थोड़ा सा नीचे की ओर रिट्रेस करें, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, हम उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी निफ्टी में जो आपका सिनारियो बन रहा है फ्रेंड्स, वो केवल और केवल एक ही सिनारियो बन रहा है, वो है ऊपर की तरफ ले जाने के लिए ये वाला जो लेवल है। ये लेवल क्या है, ये लेवल है 18,040 रुपए का, 18,040 से 17,970 रुपए। ठीक है भैया, मोटा मोटी मानिए कि 18,000 रुपए पे अगर मार्केट आता है तो आप यहां से निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे।
तो निफ्टी के एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया, मार्केट अगर 18,000 के लेवल पे आता है तो आप यहाँ से डेफिनेटली निफ्टी को लॉन्ग करिए। ठीक है, अभी मार्केट में कोई इमीडिएट ना सप्लाई जोन बना है ना डिमांड जोन बना है, और सप्लाई जोन जो ऊपर में भी है तो वो केवल डेली बेसिस पे है, वीकली पे नहीं है, तो हम अभी निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अप्रोक्स ऑल टाइम हाई है, अप्रोक्स ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी में, निफ्टी एनालिसिस में, मार्केट एनालिसिस में मैंने आपको निफ्टी में बताया कि कल के डेट पे आपको क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों दोस्तों ये निफ्टी का 17 नवंबर एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का चार्ट लगा हुआ है आप लोग के सामने में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। जो पुट राइटर्स होते हैं वो तेजी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं, जो कॉल राइटर्स होते हैं वो मंदी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं। अगर यहाँ पास आप देखेंगे तो जो कॉल राइटर्स है वहां पर जो डाटा है थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, 40 लाख, 27 लाख, 64 लाख, 35 लाख, 68 लाख, 54 लाख, 26 लाख। ठीक है, एज कंपेरिजन टू पुट राइटर 15 लाख, 56 लाख, 17 लाख, 38 लाख, 16 लाख, 38 लाख। ठीक ना, तो जो यहाँ पे अभी डाटा दिख रहा है वो कॉल राइटर्स का ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पास अगर आप देखेंगे माइनस के साइन पे इंट्राडे बेसिस पे बहुत लोगों ने अपनी पोजीशंस एग्जिट भी की हैं, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे थोड़ा सा भी मार्केट जो है वो वीक समझ में आ रहा है निफ्टी का, तो देखेंगे क्या हो सकता है। मे बी कल मार्केट और नीचे आएगा या मे बी कल मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी जब तक हमारे पास डिमांड या सप्लाई का जोन नहीं रहेगा तब तक हम मार्केट को कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम ट्रेंड देखेंगे मार्केट का तो वो अप ट्रेंड ही है, लेकिन हमारे पास अभी अप ट्रेंड के हिसाब से डिमांड जोन जो है वो काफी नीचे है, वो 18,040 पे है। जब यहाँ पास आएगा तो ही हम यहाँ से निफ्टी को, जब यहाँ पास आएगा इस डिमांड जोन पे तो ही हम निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दोस्तों बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। दोस्तों मैंने सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग टेक्निक की, ट्रेडिंग टेक्निक का यूज करते हुए मैंने आपको ये बताया था कि जब इस लेवल पे आएगा मार्केट, गैप अप ओपन होगा तो इस लेवल पे आएगा मार्केट, तो आप यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी को डेफिनेटली ऊपर की तरफ लेकर के जाइएगा। समवेयर अराउंड मार्केट फ्लैट खुला और खुलते ही यहाँ पास नीचे की तरफ ब्रेक किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम भी नहीं मिला होगा, अगर आप देख सकते हैं तो ये आज फर्स्ट 15 मिनट की ही कैंडल है। ठीक है, 14 नवंबर की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है जो कि खुलते ही नीचे की तरफ ब्रेक की है। और समराइज करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये 5 मिनट की फर्स्ट 5 मिनट की ही कैंडल है जो कि नीचे की तरफ इस जोन को ब्रेक की हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करने का भी चांस नहीं मिला होगा। ठीक है, और मेरा जो बताया हुआ लेवल था वो मैंने इस वजह से बताया था क्योंकि ये जो लेवल था ये बहुत ही अच्छा लेवल था, लेकिन क्या है मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा गैप अप होना नहीं है। ठीक है, अगर ये समवेयर अराउंड यहाँ पास कर ये खुलता 42,300, 42,250 के आसपास अगर खुलता तो ये डेफिनेटली ये जोन वर्क किया होता दोस्तों। ठीक है, अभी जोन का कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोस्तों मंथली के चार्ट पे हम चलते हैं, बैंक निफ्टी क्या है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है। ठीक है, तो अगर हम ये ध्यान रखें, ठीक है, एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, ये मंथली कैंडल है। ठीक है, अभी ये मंथ में अभी काफी दिन बचे हुए हैं, 15 दिन लगभग बचे हैं, यहाँ पास दिखा रहा है, तो ये जैसे ही ये जो कैंडल है इस मंथ के लास्ट मंथ के कंप्लीट होने के होने पे, तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये मंथ के कंप्लीट होने पे अगर ऐसे ही ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है, इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, तो आप समवेयर अराउंड डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो मंथली का ये डिमांड का लेवल होगा दोस्तों, इस लेवल पे आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं कि मार्केट फिर इस लेवल के नीचे तो जाना बहुत मुश्किल है। ठीक ना, 38,806 रुपए के नीचे और से लेकर के 37,249 रुपए का ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, फिर इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड करेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं वीकली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखेंगे कि हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी इसी लेवल के आसपास मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम डेली के चार्ट पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, हम डेली के चार्ट पे चलते हैं।
डेली के चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पास एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी दोस्तों, जो कि बहुत ही क्रुशियल है, जो कि आपको समझने के लायक है दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी के अगर हम डेली के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जो फ्राइडे की कैंडल है 4 नवंबर की, 4 नवंबर की कैंडल से अगर आप देखेंगे तो जो जितनी भी कैंडल्स आपकी बन रही हैं सारी लगभग लगभग डोजी यानी छोटी छोटी कैंडल बन रही है एनआरसी नैरो रेंज कैंडल। ठीक है दोस्तों, ये नैरो रेंज कैंडल जो बन रही है, इस कैंडल के बनने का क्या कारण है दोस्तों? इस कैंडल के बनने का कारण यह है कि लोगों की साइकोलॉजी कह रही है कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी भी मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है, लोगों को अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस वजह से ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। अगर मैं डेली की इस कैंडल की बात करूँ, ठीक है, लास्ट दो कैंडल की बात करूँ, तो ये क्या है, ये एक स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप के बाद एक मार्केट ने डिक्लाइन दिया है। ठीक है, इसने इसको कन्फर्म किया है कि हाँ ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अब कल गैप अप हो जाए ठीक है तो इसको कवर कर ले, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल बनना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉलो थ्रू कैंडल बनती है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा, फिर आप इस सप्लाई को पकड़ लीजिए, ये वो सप्लाई जोन होगा। ठीक है, यहाँ से आप मार्केट आपका नीचे की तरफ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कल के दिन क्या करना है। ठीक है, कल के दिन हमें क्या करना है, कल के दिन बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी दोस्तों अगर बैंक निफ्टी इस वाले लेवल के नीचे जाता है, ठीक है, इस वाले लेवल के नीचे जाता है, ये लेवल है 41,918 रुपये, तो आप यहाँ से बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिए और ये अपना टारगेट रखिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना टारगेट रखिए, यहाँ तक जाएगा 41,629 रुपये। ठीक है, 41,650 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता है तो आप यहाँ से बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिए, ये यहाँ तक जाएगा दोस्तों, इस बात की गारंटी है दोस्तों। ठीक है, अगर यहां से नीचे जाता है तो की मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही रहता है, ठीक है, मार्केट अगर अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ रहता है तो ये वो लेवल है 42,345 रुपए का। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप यहां से मार्केट को डेफिनेटली ऊपर की तरफ लॉन्ग करिए, आप इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है ना दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पे आप यहां से लॉन्ग करिए, मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाइए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट्स में तो की मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसके पहले अभी कोई लेवल नहीं है, जो लेवल है वो केवल और केवल ये वाला लेवल मिलेगा दोस्तों, इस लेवल पे आएगा तो आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग करिए, इस लेवल पे आएगा तो आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग करिए, उसके पहले आप लॉन्ग मत करिए, या फिर इसके बाद इंट्राडे बेसिस पे आप लॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा दूसरा कोई लेवल अभी बैंक निफ्टी में नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है, निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, ठीक है, मार्केट एनालिसिस कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का 17 नवंबर के ऑप्शन एक्सपायरी का 17 नवंबर की एक्सपायरी का ऑप्शन चैन का चार्ट लगा हुआ फ्रेंड्स आप लोग के सामने पे। अगर आप देखेंगे तो ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास अगर आप डाटा देखेंगे तो पुट राइटर में 33 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 9 लाख एज कंपेरिजन टू कॉल राइटर 26 लाख, 14 लाख, 22 लाख, 15 लाख, 9 लाख, 15 लाख। यहाँ पास जो डाटा है वो कॉल राइटर्स का ज्यादा है दोस्तों एज कंपेरिजन टू पुट राइटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लोग यहाँ से एग्जिट भी करेंगे तो यहाँ पे ऐसे माइनस साइन दिखेंगे आपको इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, ठीक है, मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।